नमो 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 भगवते ओम नमो भगवते वासु ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम श्रीमदभागवत महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र चार सौ बयालीस फोर फोर टू में सभी भक्तों का स्वागत है हम सभी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से श्लोकों वाले भागवतम महापुराण को श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि सत्रों का प्रारूप है वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए भक्तों के संग हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे सभी की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए हम सभी स्कंद नौ अध्याय दस भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं जहाँ सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को बताया जा रहा है कि वैसे तो आप पूरी घटनाक्रम से लीला से वैसे भी परिचित हैं पर यहाँ सूर्य वंश के विस्तार में उल्लेख करते हुए मेरे द्वारा भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला को अत्यंत संक्षिप्त में उल्लेख किया जा रहा है तो यदि हम सभी को स्मरण हो इस अध्याय में पचपन श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति पर स्कंध नौ से समग्र श्लोकों की संख्या चार हो जाएगी और पूरे भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या सात हो जाएगी तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करेंगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्याशं ततो जयं मुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थोयभद्राणि विधूनोति सुयत्स्यताम् नष्ट्यप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिकौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरी हरे राम हरे राम 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 हरे हरी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरी हरे हरे राम हरे राम 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 हरी हरी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम कृष्ण में हम सभी भागवतम के भीतर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को श्रवण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को सूर्य वंश के विस्तार वंश क्रम में स्कंद नौ अध्याय दस में भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन सुनाया जा रहा है जहां पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या तेईस तक भगवान श्री राम द्वारा रावण को मारे जाने का प्रसंग सुना था तो आज के सत्र में आरंभ करेंगे श्लोक संख्या चौबीस से जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तकों का प्रयोग करेंगे आप में से जिनको भी श्रोपाद के द्वारा व्यक्त इस अध्याय के तात्पर्य में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा थी उनको उत्तर दिया गया है अन्य किसी को भी कोई भी जिज्ञासा हो असहमति हो आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं तो आरंभ करते हैं स्कंद नौ अध्याय दस श्लोक संख्या चौबीस तक्रम्य लंका या, या तो धान्य सहस्रश मंदोद्याद्य उपाद्रवन तत्पश्चात वे सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका से बाहर आई वे निरंतर विलाप करते हुए रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों के शवों निकट पहुंची। तो पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान द्वारा अपने धनुष पर बाण रख के रावण को निशाना बनाकर उसके हृदय में वज्र के समान भेदते हुए उसको मृत्यु तक पहुंचाते हुए जैसे पुण्य चूक जाने पर जीव स्वर्ग से धराधाम पर आ जाता है या नीचे के लोकों में भी चला जाता है उसी प्रकार से रावण की गति हुई रावण की इस प्रकार की स्थिति को देखकर उसके जो सहयोगी थे वे हाहा करके रुदन करने लगे और जब ये विदित हो गया कि रावण मारा जा चुका है तब स्त्रियों द्वारा राक्षसों के सव, शवों के निकट पहुंचा गया मंदोदरी भी रावण के शव के निकट पहुंचती है श्लोक संख्या पच्चीस में स्वान स्वान बंधुन परिश्वज लक्ष्मणी शुभानीना घमना लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कारुणिक स्वर में रोदन करने लगी जो हर एक को द्रवित करने वाला था लोक ना हे नाथ हे स्वामी तुम अन्यों की मुसीबत की प्रतिमूर्ति थे अत एव तुम रावण कहलाते थे किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो हम भी पराजित हैं क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है बताओ ना अब लंका किसकी शरण में जाएगी तो कहती है यहाँ पर तुम अन्यों की मुसीबत के प्रतिनिधि थे वास्तव में मंदोदरी बुद्धिमती महिला कही गई है और रावण के व्यवहार से वो भलीभांति जानती थी रावण कितना क्रूर था रावण शब्द का अर्थ ही शिल प्रात या तात्पर्य में कहते हैं जो अन्यों को सताता है इसलिए वो कहती हैं तुम निरंतर अन्यों को मुसीबत में डालते रहे पर जब उसके जब तुम्हारे उन पाप कृत्यों की पराकाष्ठा सीता देवी को कष्ट देने तक पहुंच गई तो तुम भगवान द्वारा मार डाले गए हो हमारी जो पंच विभूतियों की स्त्रियों के नाम जिन्हें हमें स्मरणीय कहा गया है प्रातः काल में अहिल्या द्रौपदी कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृह नित्यम महापातक नाशनम तो मंदोदरी का नाम वहां उल्लेखित किया गया है श्लोक संख्या सत्ताईस में कहते हैं वे तो वासना के वशीभूत हो गए थे अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो तो तेजस्विता की प्रतिमूर्ति माता सीता के साहस को पराक्रम को ऐश्वर्य को तुमने सही प्रकार से आकलन नहीं किया रावण मंदोदरी स्मरण कराती है कि ऐसी है माता सीता कि जिनके पद चिन्हों पर चलकर कोई उनके ही समान शक्तिशाली भी बन सकता है वैदिक साहित्य के इतिहास में वास्तव में माता सीता का अनुसरण अनुकरण करने वाली बहुत सारी अन्य माताओं का भी उल्लेख है श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में माता अनुसुईया का चरित्र ऐसा ही है अहिल्या देवी का चरित्र ऐसा ही है माता सीता जिन सती को स्मरण करके विवाह पूर्व पूजा आयोजन में भाग लेती हैं उनका चरित्र ऐसा ही है किसी भी आदर्श स्त्री के वर्णन में हमें सीता जी का नाम अवश्य मिलता है इसलिए नहीं कि वो तथाकथित रूप से जिन्होंने आधा अधूरा साहित्य और शास्त्र पढ़ा है उनको निरी कन्या के रूप में प्रतीत होती हूँ अभी तो सीता जी का पूरा व्यक्तित्व अपने आप में अनुपम ऐश्वर्य से भरा है ईश्वर की कृपा से कभी ना कभी जब माता सीता की अनुकंपा होगी तो हम उनके विषय में श्रवण करने का प्रयास अवश्य करेंगे शिल प्रभुपाद यहां पर नैतिक सिद्धांत में चाणक्य द्वारा जो अनेक अनेक श्लोक दिए गए हैं उनमें से एक श्लोक का यहाँ तात्पर्य में उल्लेख करें वास्तव में चाणक्य का उल्लेख शिल ने अनेक तात्पर्यों में किया यहाँ पर वो कहते हैं मात्रवत पर देश पर द्रव्यु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेशु यह पश्यति स पंडित जो कोई पराई स्त्री को अपनी माता की तरह पराय धन को धूल के समान तथा सारे जीवों को अपने समान मानता है वह पंडित माना जा सकता है तो रावण न केवल भगवान रामचंद्र द्वारा दितकारा गया शिलालेख प्रोपाद लिखते हैं अभी तुम तो मंदोदरी द्वारा भी दितकारा गया है श्लोक संख्या 28 में कथा क्रम में आगे बढ़ते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृतेशा विधवालंका वयं च कुलनन्धाना देह कृतोन्नम कृताणां आत्मा नरक हेतवे हे, हे राक्षस कुल के हर्ष तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का भी कोई संरक्षक नहीं रहा तुमने अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर को गीधों का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया है। वास्तव में जो जैसा कृत्य करेगा उसकी वही गति होगी रावण की गति हमें पूर्वार्ध में श्रवण किए गए भागवतम के सत्रों में विदित है कि वो भगवान की योजना के पात्र हैं पर हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए कि भागवतम रामायण चैतन्य चरितमृत इनमें वर्णित कथाएं हमारे पुराणों शास्त्रों में प्रस्तुत किए गए चरित्र ये मानव जीवन को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए उसके लिए दर्शित किए गए तो यहाँ यदि मंदोदरी ये कह रही है कि तुमने स्वयं को नरक जाने का पात्र बना लिया है तो हमें इस प्रकार का कुतर्क नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रावण ने तो भगवान की इच्छा का पालन किया था वो भगवान अपनी योजना में कितने स्वतंत्र हैं और अपनी योजना में वो किसे सहभागी बनाते हैं ये व्यक्त करने के लिए पर रावण जैसा कृत्य जो करेगा उसकी गति वही होगी जो रावण के लिए यहाँ पर मंदोदरी द्वारा शब्द प्रयोग किया गया इसीलिए हर विषय को उसके संदर्भ के साथ समझा जाना चाहिए और भौतिक इंद्रियों से हम इसमें निष्णात दक्ष नहीं हो सकते इंद्रिया देखने की सुनने की समझने की सीमित है वो उतना ही समझा दिखा और बता पाएंगे जितना हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे या जो हम सुनना और समझना चाहेंगे प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को जो वो करना चाहता है उसके लिए लुभावने मन भावने तर्क प्राप्त कर लेता है तो यहां कोई ये कहे कि मंदोदरी रावण तो बुद्धिमान था मंदोदरी बुद्धिहीन थी रावण तो भगवान की सेवा में सहायता कर रहा था योजना में और मंदोदरी अपने ही पति को इस प्रकार के अपशब्द कह रही थी ये अधूरा सत्य मंदोदरी ने रावण जैसा कृत्य किए जाने वाले व्यक्ति के जीवन गति के परिणाम को बताया मंदोदरी को हमारे शास्त्रों ने सती साध्वी के रूप में प्रस्तुत किया है भले ही रावण और कुंभकर्ण जय विजय हैं, पर जिस रूप में वो व्यवहार कर रहे हैं वो रूप स्तुत्य नहीं है इसलिए जो रावण की पूजा अर्चना या उसको महान बलशाली ज्ञानवान पंडित जो कुछ भी कहना चाहे वो वास्तव में अपने तुच्छ स्वार्थ और अहंकार की पुष्टि करते हैं तो ऐसे ऐसे प्रकार के कुतर्कों से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कभी नहीं होना चाहिए यदि दुविधा लगे तो हमें आचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए शिल प्रभुपात कहते हैं मनुष्य के ईश्वर पर प्रकृति के नियमों द्वारा उसे भरसित होना पड़ता है अर्थात उसे कष्ट प्राप्त होता है ये अटल सत्य है आदिदैविक आदि, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जिन तीन प्रकार के कष्टों को हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में उनमें से कोई ना कोई कारक बन जाता है जीव को दुखी करने का जब वो वैदिक शास्त्रों के आदेशों को भगवान के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करके अपने केवल केवल और केवल स्वयं की तुष्टि और इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करते हैं के लिए कार्य करता है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या उन्तीस में श्री शुकुवाच स्वानाम चक्रे कौ श्री शुभदेव गोस्वामी ने कहा रावण के पवित्र भाई तथा रामचंद्र के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र से अनुमति प्राप्त हो गई तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए तो हम सभी को विदित है कि विभीषण को भगवान राम से अनुमति प्राप्त थी और उन्होंने नरक जाने से बचाने के लिए जो कुछ भी अंत्येष्टि कर्म आवश्यक थे करने के लिए उनको संपादित किया गया था यदि किसी की सामान्य मृत्यु नहीं होती है शिल प्रपाद लिखते हैं तो उसको दूसरे शरीर में देहांतरण नहीं मिलता वह प्रेत बन जाता है और मृत व्यक्ति को प्रेत योनि से बचाने के लिए शास्त्र विहित अंत्येष्टि कर्म या श्राद्ध संपादित किए जाते हैं रावण का वध भगवान रामचंद्र द्वारा हुआ था भगवान ने रावण के भाई विभीषण से मृतक के लिए सारे निर्धारित कर्म संपादित कराए तो मृत्यु के बाद भी भगवान दयावान है हमने इसे अनेक अनेक उदाहरण में देखा है शिशुपाल के उदाहरण में भी देखा है श्लोक संख्या तीस में ततो ददर्श भगवान अशोक तोक शिंशपा मूल तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को अशोक वन में शिंशपा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठा पाया वे राम के वियोग के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी रामह दीनाम विकसत्मुख अपनी पत्नी मुख उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयाद्रो उठे जब वे पत्नी के समक्ष आए तो वे भी अपने प्रियतम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके कमल सदृश मुख से आनंद झलकने लगा आरोप्यारुरुहेयानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युत विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशतां लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययोचीर्णव्रतपुरीम् भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंप कर सीता देवी को पुष्प से सज्जित विमान में बैठाया और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत भगवान अयोध्या लौट आए तो ये कथा हम सभी को विदित है भगवान पुष्पक विमान में बैठकर वापस आते हैं और भगवान के अनेक जो राम कथा के निरूपित आचार्यों द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं न केवल वाल्मीकि रामायण अन्य स्थानों पर भी वहां विदित किया गया है कि किस प्रकार भगवान ने जिस दिवस पर वापस दक्षिण से उत्तर की ओर प्रस्थान करके अयोध्या में प्रवेश किया है वहां पर हम उत्सव के रूप में आयोजन के रूप में दिवाली के पहले बाद में और वास्तव में दिवाली के उस दिन को जैसे हम भगवान के आगमन के लिए कहते हैं उस दिन शास्त्रों में और भी अनेक युग और मनवंतरों में घटनाएं खरीद हुए तो भगवान वापस लौट आए हैं श्लोक संख्या में तैतीस में कहते हैं अवकीर्य सुकुसुमे लोक पालार उपीय मान चरित श्रदि मुदा जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागतार्थ उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा की और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने परम प्रसन्न होकर भगवान के कार्यों का गुणगान किया है तो अगले करीब सत्रह अठारह श्लोकों में भगवान के राज्याभिषेक का सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी गोमूत्र यावकम श्रुत भ्रातरम महाकारुण अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गोमूत्र में पकाए जौ को खाता था अपने शरीर को वृक्षों की छाल से ढकता था सिर पर जटा बढ़ाए कुशु की चटाई पर सोता था अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप व्यक्त किया है तो भगवान राम और भगवान राम के छोटे भाई भरत जो अपने रूप सौंदर्य में भगवान राम के ही समान प्रतीत होते थे, उनके वनवास चले जाने पर वन में कैसे वो समस्त अयोध्या वासियों को लेकर माताओं को लेकर पहुंचते हैं उसका उल्लेख हमने श्रवण किया है और इतने अनुनय विनय के पश्चात भी भगवान राम द्वारा समझा बुझाकर वापस भेज दिए जाने पर माताओं के द्वारा स्वयं माता कौशल्या द्वारा कहे जाने पर अयोध्या वासियों द्वारा कहे जाने पर गुरु वशिष्ठ द्वारा भी कहे जाने पर भरत ने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया ये कथा हमें विदित है भगवान की चरण पादुका रखकर सिंहासन पर अयोध्या के बाहर भरत के द्वारा मेरे भगवान मेरे बड़े भ्राता मेरे आराध्य इष्ट जमीन पर सोते हैं ये विचार करके भरत जमीन में गड्ढा खोद कर सोते थे मेरे भगवान कंदमूल फल खाते हैं इसलिए कोमूत्र में पकाए जौ को केवल और केवल अस्थि मज्जा और प्राण वायु शेष रहे शरीर में इस स्तर का त्याग किया है भरत ने और क्योंकि मेरे भगवान वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं इसलिए भरत ने वृक्ष की छाल से सभी प्रकार की उष्ण शीत और वर्षा काल में अपने शरीर की रक्षा की है उसको धारण करके तो भगवान ने जब ये जाना तो भगवान अत्यधिक संताप करते हैं श्लोक संख्या पैंतीस में उल्लेख आता है पैंतीस छत्तीस सैतीस अड़तीस एक साथ उल्लिखित है भरत प्राप्त आकर्ण्य पौरा पुरोहित पादुके शीर्षीन राम प्रत्युद्यग्रज नंदी अगीत वादित्र ब्रह्म घोषेण च मुहू भी ब्रह्मवादि स्वर्ण कक्ष पता अर् मैच्चित्रज रथे सदस्वे ऋक्म सन्नाहे भटे पुट वर्म भी श्रेणी भी वार मुख्या पदागे परमेष्ट्यानुपादाय बण्यान्युचावचानिच चा, पादयोन्नर्यपतत्प्रेम्णा प्रक्लिन्नहृदये क्षणम् जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं तो तुरंत ही वे भगवान की खड़ाऊ अपने सिर पर रखे और नंदीग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए भरत जी के साथ मंत्री पुरोहित अन्य भद्र नागरिक मधुर गायन करते पेशेवर गवैय तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे उनके पीछे जुलूस में रथ थे जिनमें सुंदर घोड़े जुते थे जिनकी लगामें सुनहरी रशियों की थी ये रथ सुनहरी किनारी वाली पताकाओं तथा अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजाए गए थे सैनिक सुनहरे कवचों से लैस थे नौकर पान सुपारी लिए थे और साथ में अनेक विख्यात सुंदर वेश्याएं थी अनेक नौकर पैदल चल रहे थे और वे छाता चामर बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे इस तरह से अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण कमलों पर गिर गए ये श्लोक जहां पर साज सज्जा का उल्लेख किया जाता है जहां विभिन्न प्रकार के वर्ग के नागरिकों का व्यवहार बताया जाता है ये उस समय के सामाजिक शास्त्र को भी व्यक्त करता है इसीलिए हमारा विभिन्न कालों का वैदिक शास्त्रों का उल्लेख उस समय के काल के सामाजिक स्थिति का उल्लेख करता है जब यहाँ पर वैश्याओं के साथ में चलने का उल्लेख किया गया वास्तव में अभी 16वीं 17वीं शताब्दी तक भी राजाओं और महाराजाओं द्वारा सुंदर धार्मिक आयोजन में मंगल गीतों को गाने के लिए वैश्य वर्ग की स्त्रियों को आमंत्रित किया जाता था तो प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक स्थिति या प्रत्येक घटना केवल कामवासना से संबंधित नहीं हुआ करती थी यदि सुंदर साज सामग्रियों का बंदरवानों का राजसी सामानों का बहुमूल्य रत्नों का उल्लेख किया जा रहा है तो इसी श्रीमद भागवतम ने हमने श्र, हम, में हमने श्रवण किया है कि इनका प्रयोग धार्मिक आयोजनों को अत्यंत वृहद स्तर पर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था वास्तव में मूल रूप से उसी के लिए प्रयोग किया जाता था और उसका कुछ भाग समाज के कतिपय वर्गो द्वारा अपनी इंद्र तृप्ति के लिए प्रयोग होता था तो अनेकों प्रकार की पाता पताकाएं सुनहरी रस्सियां सुनहरे कवचों से लैस सैनिक उस काल की समृद्धि का भी उल्लेख करते हैं आगे श्लोक संख्या उनतालीस में नंदीग्राम से भरत महाराज चले हैं इस रथ को जुलूस को लेकर अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए उल्लेख है पादुके न्यस्त पुरत प्राजलि तमाश्लिष्य चिरम दौर्भ्याम स्नापय नेत्र जैर जले रामो लक्ष्मण सीता भ्याम विप्रेभ्यो ये अरह सत्तमा तेभ्य स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभि च नमस्कारते भगवान रामचंद्र के समक्ष खडाओं को रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे भगवान रामचंद्र अपनी दोनों भुजाओं में भरत को भरकर दीर्घ काल तक आलिंगन करते रहे और उन्होंने उन्हें अपने आंसुओं से नहला दिया तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों को नमस्कार किया समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया है तो ये मिलन समारोह अत्यंत ही भावुक है करने वाला हृदय को सिंचित करने वाला है उन अश्वों से और उन विरह के पलों में जहां पूरा अयोध्या एकत्र हो गया था भगवान से वापस चलने का अनुरोध करते हुए और सरयू नदी को पार किए हुए भगवान ने सोते हुए अयोध्या को छोड़कर सुमंत से कहा था कि हमें आगे बढ़ना चाहिए तो इस इस वाल्मीकि रामायण में इस विषय की प्रस्तुति अत्यंत मार्मिक है सुखदेव गोस्वामी यहाँ महाराज परीक्षित को सुनाने के क्रम में आगे बढ़ते हुए कहते हैं धुनवंतर तो अयोध्या के नागरिकों ने अपने राजा को दीर्घ काल के बाद लौटे देखकर उन्हें फूल की मालाएं अर्पित की अपने उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे हिलाए और वे परम प्रसन्न होकर खूब नाचे तो सर्वत्र हर्ष अतिरेक की स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं भगवान रामचंद्र लौट आए हैं श्लोक संख्या बयालीस और तिरालीस में कहते हैं पादुके भर तो गृहनाथ चाम व्यजनोत्तमे विभीषण स सुग्रीव श्वेत क्षत्र धनुषा क्षत्रुघीर्थ कमंडल अबिव्रदंग हेम चर्म क्षरा नृप हे राजा भरत जी भगवान राम की खड़ाव लिए थे सुग्रीव तथा विभीषण चमड़ तथा सुंदर पंखा लिए थे हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे शत्रुघ्न धनुष तथा दो तरकस लिए थे, तथा सीता देवी तीर्थ स्थानों के जल से भरा पात्र लिए थे अंगद तलवार लिए थे और वृक्ष राज जाम्बवन सुनहरी ढाल लिए थे तो ये वो कुछ प्रमुख पार्षद थे जिन्हें हमने श्रवण किया है कि वो भगवान के संग युद्ध समाप्ति के पश्चात अयोध्या वापस हैं अंगद जामवंत स्वयं श्री हनुमान जी सुग्रीव जी और विभीषण यहाँ पर भागवतम में सत्र और अध्याय राममय हो गए भगवान के सारे सुंदर छवि चित्र जो हम स्मरण कर सकते हैं राज्य अभिषेक के भगवान राम माता सीता एक तरफ शत्रुघ्न और भरत हनुमान बैठे हुए हैं विभीषण अंगद और चामवंत उनके संग खड़े हैं श्लोक संख्या चौवालीस में वंदिभी, विरेजे भगवान राजन, ग्रहे ही राजा परीक्षित अपने पुष्पक विमान पर बैठे भगवान रामचंद्र स्त्रियों द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा बंदी जनों द्वारा गुणगान किए जाने पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच चंद्रमा हो सूर्य कुल शिरोमणि भगवान श्री राम चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं साहित्य में संस्कृत की भाषा में वैदिक वांग्मय में उपमा और अलंकारों का बहुत महत्व है किसी भी विषय को हम अनुभव कर पाए इसके लिए हमारे आसपास के प्रकृति जन्य स्थितियों का प्रयोग किया जाता है इन के लिए ग्रहों और तारों के मध्य चंद्रमा अलग से सभी के लिए सुविधाजनक तरीके से दृष्टिगोचर हो जाता है उसी प्रकार यूं तो जिनके मध्य भगवान बैठे हैं वे भी तारे और ग्रहों के समान है अर्थात उनकी भी अपनी छवि है उनकी भी अपनी दिव्य स्थिति है महिमा है पर उनमें चंद्रमा के रूप में भगवान श्री राम सुशोभित हो रहे हैं श्लोक संख्या पैतालीस और छियालीस में इस वर्णन को आगे बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भ्रात्र अभिनित सो स्वाम प्राविशतरी प्रवेश राजभवनम गुरु पत्नी स्व मातरम गुरुन्वयस्या पूजित प्रत्यपूजयत वे लक्ष्मण यथावत समुपे तत्पश्चात अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाकर भगवान रामचंद्र एक उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए जब वे महल में घुसे तो उन्होंने कैके तथा महाराज दशरथ की अन्य पत्नी एवं अपनी माता कौशल्या इन सभी माताओं को नमस्कार किया उन्होंने अपने गुरुओं को यथा वशिष्ठ को भी प्रणाम किया उनके हम उम्र मित्रों तथा उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए तो भगवान अत्यंत मनोरम शुभता को वर्धित करने वाले सौंदर्य और वातावरण में इतने वर्षों के विरह के पश्चात समस्त माताओं से मित्रों से वरिष्ठ जनों से भेंट कर रहे हैं। श्लोक संख्या सैतालीस में पुत्र प्राणा तन्व इवोत्थिता आरोप्यांके अभिषिंचष्पे विजहुषुच अपने पुत्रों को देखकर राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुई मानो निश्चेष शरीर में चेतना आ गई हो माताओं ने अपने पुत्रों को अपनी गोदों में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन कालीन विशोह के संताप से छुटकारा पा लिया तो माताओं ने पुत्रवत स्नेह जिसे उन्होंने इतने वर्षों तक संभाल कर रखा था उसमें निश्चेष्ट हुए शरीर में भी चेतना का संचार करते हुए आशावान दृष्टि से आए हुए पुत्रों को समेट लिया है जटा निर्मुच विधिवत कुल वृद्ध समम गुरु अभ्य सिंचत यथव इंद्रम चतु सिंधु जलादि भी कुल गुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र के सिर की जटाएं मुड़वा दी तत्पश्चात कुल के गुरुजनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्रों के जल तथा अन्य सामग्रियों के द्वारा भगवान रामचंद्र का अभिषेक उसी तरह संपन्न किया जिस तरह राजा इंद्र का हुआ था भगवान के अभिषेक और इंद्र के अभिषेक की कोई तुलना नहीं है पर भगवान यहाँ मनुज रूप में है तो हमें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इंद्र के अभिषेक से उसकी तुलना क्यों की जा रही है क्योंकि मनुजा अवतार है यहाँ पर भगवान भगवान राम भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम वशिष्ठ द्वारा इस भव्य स्तर का आयोजन किया गया जैसे कि कहा जा रहा है मृत के राजा के रूप में है यहाँ पर रामचंद्र पर उनका ऐश्वर्य स्वर्ग लोक के राजा के साथ तुलना जो भगवान के मूल स्वरूप को जानकर उनकी आराधना हैं उनके सामने ये तुलना असंगत है पर जिन सामान्य मनुष्यों की आकांक्षा स्वर्ग लोक जाने की होती है उनके लिए बताया जा रहा है कि रामचंद्र का अभिषेक स्वर्ग के राजा की भांति हो। तो साहित्य की कुछ ऐसी भी त्रुटियां होती हैं, जिन्हें महिमा मंडन के क्रम में हम मान नहीं देते अर्थात यहां ये सोचना कि भगवान की तुलना अभिषेक केंद्र के साथ क्यों की जा रही है इसका स्पष्टीकरण ये है अन्यथा केवल यदि हम श्रवण करें तो हमें ये भ्रम भी हो सकता है श्लोक संख्या उन्चास में एवं कृत शिव स्नान सु भ्रातृ भी, भी भार्य या बभो भली भांति स्नान करके तथा अपना सिर घुटा करके भगवान रामचंद्र ने अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सज्जित और एक माला तथा आभूषणों से अलंकृत किया इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्र तथा आभूषण धारण किए अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे तो समस्त भ्राताओं का भी सुंदर अलंकरण हुआ है भगवान ने स्वयं के वस्त्र आभूषण धारण किए गए अपने भाइयों के साथ राज सिंहासन की ओर प्रस्थान किया है माता जानकी सीता उनके संग है श्लोक संख्या पचास में भगवान का राज सिंहासन पर आरोहण हो रहा है उल्लेख करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अग्रहित आसनम भ्रात्र प्रणीपत्य प्रसादित प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता जुगोप पितृवत्रामी रे पितरम चतम तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्ति परक कार्यों में लगकर उन्हें तुल्य स्वीकार किया है तो यहां से जो उल्लेख होने जा रहा है अगले पांच श्लोकों में इस अध्याय के अंतिम पांच श्लोक हैं, उनमें राम राज्य की व्यवस्था कैसी होती है उसका उल्लेख आज भी कहते हैं, राजनीतिक लोग कभी कभी राम राज्य नामक दल बना लेंगे पर उन्हें राम के विषय में पर्याप्त जानकारी न होने के क्रम में पूर्ण श्रद्धा न होने के क्रम में ईश्विहीन राज्य की ओर अग्रसरित होते हुए देखा गया है यदि राम राज्य चाहिए तो राम के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा यदि राम राज्य चाहिए तो भगवान राम के इस धराधाम पर अवगमन से लेकर प्रजा का पालन करने के लिए उनके द्वारा किस प्रकार व्यवहार और आचरण किया गया है उसका अनुसरण करना होगा यदि राम राज्य की बात करना है तो राम को काल्पनिक बताने से बचना होगा श्री प्रभुपात कहते हैं नागरिकों तथा सरकार के मध्य पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण पाते हैं वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं योग्य पिता संतान की अच्छी देखभाल करता है तो ये अच्छे नागरिक वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो गुण कर्म और स्वभाव पर निर्धारित किया जाता है उसके अनुसार आचरण करते हैं ईश भावना भावित होकर प्रेरित होने के लिए जो जीवन जीने के लिए जो स्वयं को व्यक्त करते हैं वो राम राज्य की धारणा की बात कर सकते हैं केवल कानून और अध्यादेशों के बल पर नागरिकों को आज्ञाकारी और कानून पालक नहीं बनाया जा सकता पूरे विश्व में जितने भी देश हम गिन सकते हैं जिनकी सामाजिक व्यवस्था का हम अनुपम उदाहरण के रूप में प्रयोग करें नाम लेने के लिए वहां के नागरिक केवल और केवल कानून व्यवस्था के डर से वैसा व्यवहार नहीं करते उनके अंदर जो अनुभूति होती है वो स्वयं को उस स्थान से संबद्ध करके व्यवहार करने में परिलक्षित होती है। तो केवल कानून के बल पर राम राज्य नहीं आता राम राज्य मूल रूप से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करके राजा के रूप में शासक के रूप में भगवान के द्वारा निर्देशित सत्य को आधार बनाकर जब ऊपर से पालन किया जाता है प्रशासक के स्तर से तब क्रमशः प्रजा के साथ उसका संबंध विकसित होता है श्लोक संख्या इक्यावन में सुंदर तात्पर्य श्लोक प्रभुपात का वास्तव में श्लोक संख्या पचास के लिए श्लोक संख्या इक्यावन में कहते हैं समो भवत, रामे सर्वभूत बहे भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सतयुग जैसा था प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था जब हम सतयुग से त्रेता से द्वापर से कलयुग का उल्लेख सुनते हैं तो हम कहते हैं धर्म धीरे धीरे कम होने लगता है सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने इसी भागवतम में परीक्षित महाराज के माध्यम से हम सभी को ये बताया है कि कैसे युग के पर्यंत एक एक युग बीतने पर धर्म का पालन स्वभाव तक कम होने लगता है वो भगवान श्री रामचंद्र के शासन काल में त्रेता युग में सतयुग को वापस ले आया था यहां तक कि कलयुग के लिए हमारे आचार्य आशावान है कहते हैं कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है और वास्तव में शास्त्र में इसका प्रमाण भी दिया गया है कलयुग उनके लिए कलयुग है जो भगवान की शरणागति से परे हैं जहां भगवान का नाम है भगवान के लिए काम है भगवान का सतत ध्यान है वहां कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति है और इसीलिए कलयुग में भी भक्त रहेंगे अंत तक रहेंगे भक्त ये सोचना कि बार बार आचार्यों द्वारा हमें सावधानी पूर्वक सतर्कता पूर्वक व्यवहार करने के लिए बताया जाता है कलयुग दोषों से पूर्ण है और एकमात्र सुगति भगवान के चरण कमलों में रहने से इसलिए क्योंकि कलयुग में भी भक्त रहेंगे अंत तक रहेंगे संख्या क्रमशः कम होती जाएगी क्योंकि जीव की भगवान की शरणागति के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो चुनौती के रूप में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कठिनतर होती चली जाएंगी पर अंत तक भक्त रहेंगे हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से इस बात का निर्धारण करना है कि हम भगवान की इस योजना के किस पक्ष में रहना चाहते हैं स्कंद ग्यारह और बारह में कलयुग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है स्कंद नौ के बाद हम सभी स्कंद दस श्रवण करेंगे ईश्वर की कृपा से जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पश्चात वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर उल्लेख है यहाँ पर इस विषय के संदर्भ में शिल प्रभुपाद स्कंद बारह के श्लोक का उद्धरण देते हुए कहते हैं कलेष निधो गुण कीर्तना देव परम व्रजेत हे राजन यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है फिर भी इस युग में यह एक उत्तम गुण है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम को जा सकता है स्कंद बारह अध्याय तीन श्लोक संख्या इक्यावन भागवतम यदि हमें लगे कि केवल कीर्तन करके मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है ये इतनी आसान बात है तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि अपने अपने घर में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार साप्ताहिक पाक्षिक मासिक षड मासिक या वर्ष में एक बार कम से कम ऐसे भव्य आयोजन को करें क्योंकि पूरी सनातन व्यवस्था सामाजिक उत्सवों पर आधारित है यदि हम देखें और यदि हम अन्यों को प्रेरित करना चाहते हैं बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र शुभचिंतक संबंधी होते हैं हैं जिनको हम हम भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करना चाहते पर यदि उनसे सीधे कहें कि माला लीजिए सुबह और शाम एक घंटे जाप करना आरंभ कीजिए तो भी हम जो अपनियमित जाप में भाग ले रहे हैं उनको भी पता है कि वो संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती है क्योंकि प्रतिदिन की दिनचर्या में बढ़ा हुआ जीव अपने आप को भगवान की शरणागति में नियमित रूप से बांध पाने में अक्षम पाता है तो इसलिए यदि इन वचनों पर विश्वास करना है और यदि इन वचनों का प्रभाव देखना है तो हमें कुछ नहीं करने की आवश्यकता है एक आयोजन हमारे घर में साप्ताहिक मासिक अक्षिक या वार्षिक आयोजन होता है सामाजिक उत्सव की तरह ही इसको आयोजित करें सभी को आमंत्रित करें केवल और केवल बिना किसी अन्य प्रजल्प या प्रलाप के सिर्फ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे हरे इसका आयोजन करने का प्रयास करें हमें उन सारे संबंधी और शुभ चिंतक जिनका हम हित है चाहते हैं अनायास इस आयोजन से लाभान्वित होते हुए देखने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे तो बलपूर्वक नहीं अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं प्रचार करना है पर हरे कृष्ण महामंत्र के ऐसे भव्य आयोजन में सामान्यतः जहां आयोजन के पश्चात सुंदर भोजन भगवान के प्रसाद के वितरण की व्यवस्था होती है सभ्य समाज के सभ्य नागरिकों को आने में कोई आपत्ति नहीं होती तो उत्त, इस उत्तम गुण को जो भागवतम में उल्लिखित है कि कीर्तन करके मनुष्य भवबंधन से छूट सकता है दिव्य धाम को जा सकता है शिल के तात्पर्य में वर्णित इन पंक्तियों को उनका अनुरोध उनका आग्रह स्वरूप समझकर हमें अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए कहते हैं शिल यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर ले तो वे अवश्य ही कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सत्य युग जैसे सुखी हो जाएंगे कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना विधि विधानों को मानना तथा पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना होगा यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता किंतु यदि वह भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य ही सारे पापमय कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए इतना इतना स्पष्ट निवेदन है शिलो प्रभुपाद का हम किसी भी स्तर पर इस प्रयास को आरंभ कर सकते हैं स्वयं के स्तर पर प्रतिदिन आप सभी को विदित है कि सुबह एक घंटे और शाम को एक घंटे हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र को आला पे जाप करने का प्रयास करते हैं जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको इनकी सूचना नियमित प्राप्त होती है पर जो नियमित है या जो नियमित नहीं है दोनों अपने अपने स्तर पर अपने अपने घर में केवल दो चार पांच छह आठ दस जिस प्रकार की आपकी सुविधा हो इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं तत्पश्चात श्लोक संख्या बावन में कह रहे हैं वनानी नद्योगिरयो वर्षाणी दीप संधव सिंधव सर्वे काम दुघा आसन प्रजा नाम आसन तर भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन नदियां पर्वत राज्य सातों द्वीप तथा सातों समुद्र सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल थे इतना सुखद राम राज्य था श्लोक संख्या तिरपन में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी राम राज्य का वर्णन करते हुए नाधि व्याधि जरा ग्लानी दुख शोक भय क्लमा मृत्यु चाणिक्षताम नासीत रामी राजानी अधुक्ष जी जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट रोग बुढ़ापा विशोह न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी ये राम राज्य है किसी को यदि इसमें आशंका है तो बाल्मीकि रामायण में इसका पूर्ण विवरण श्रवण कर सकते इच्छा मृत्यु अब जिनकी यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आपको मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि लोगों का जीवन सतयुग जैसा हो चुका था जहां किसी भी प्रकार की शोक पश्चाताप ग्लानि डर थकावट नहीं थी जब भगवान रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा बनते हैं केवल इन्हीं परिस्थितियों में ऐसी स्थिति लागू की जा सकती है शिल प्रोपात हमें स्मरण करा रहे हैं तात्पर्य में यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अभी भी उपस्थित हैं वो भगवान है वो कहीं नहीं गए हैं इतना अत्यधिक लोकप्रिय और लाभदायक रहा है कि जो राम को भी काल्पनिक करने का आक्षेप करते हैं वो भी राम राज्य लाने की बात करते हैं हम सभी अप्रत्यक्ष संकेत के द्वारा भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि शासन में अनेकों स्थानों पर अनेका अनेक लोभी व्यक्तियों द्वारा भगवान राम के चरित्र को काल्पनिक करने और कहने का प्रयास किया गया पर वो भी जब हमारे शास्त्रों पर आक्षेप लगाने का अवसर आता है तो राम के चरित्र को वास्तविक मान लेते हैं जब अच्छी बात कही जाए तो वो काल्पनिक हो जाती है जब समाज की या सनातन धर्म की कमियों को गिनाने की बात की जाए तो वो काल्पनिक कहलाने थे। कभी काल्पनिक कभी वास्तविक क्योंकि वो अपने लाभ के लिए प्रयोग कर रहे हैं इसलिए श्लोक प्रभुपात कह रहे हैं कि कलयुग में भी हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से वैसी स्थिति बनाने का यदि हम प्रयास करें तो भगवान राम और कृष्ण अभी भी जो उपस्थित है वो हमें इसमें अवश्य सहायता देंगे श्लोक संख्या चौवन में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित शुचि स्वधर्म गृह में स्वयं आचरत भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा अन्य किसी स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था वे एक साधु राजा थे और उनका चरित्र अत्यंत उत्तम था क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था उन्होंने हर एक को स्वधर्म गृह मेधियम शिक्षयन स्वयं आचरत उन्होंने हर एक को विशेष रूप से गृहस्थों को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी है तो रामराज्य की एक आधारभूत प्रस्तुति ये भी है कि राजा द्वारा स्वयं पहले आचरण करके अन्यों को उसके लिए प्रेरित किया गया है यदि जैसे जैसे महान पुरुष आचरण करते हैं अन्यों द्वारा समाज में उसका अनुगमन किया जाता है तो श्री रामचंद्र एक पत्नी व्रत के वो ज्वलंत उदाहरण है जो अम्म बहुपत्नी विवाह का जैसा कि अनेक कालों में अनेक राजाओं महाराजाओं द्वारा पालन किया गया है उसको अस्वीकृत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे इसमें सक्षम नहीं है वो इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि आगे गृहस्थ जीवन के रूप में जीवों के द्वारा क्या पालन किया जाना चाहिए उसका आचरण श्री प्रभुपात कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र चाहते तो हजारों स्त्रियों से विवाह कर सकते थे पर हमें ये शिक्षा देने के लिए कि पत्नी के प्रति वो कितने निष्ठावान है इसका अर्थ ये नहीं है कि जब भगवान श्री कृष्ण की सोलह हजार एक सौ आठ रानियां हम श्रीमद भागवतम के श्रवण करने जाएंगे और हम सोचेंगे कि रामचंद्र के लिए ऐसा तो कृष्ण के लिए ऐसा क्यों वहां पर भी आचार्यों ने विस्तार पूर्वक उसका उल्लेख किया वो है वो जो रानियां हैं वो अपने पूर्ववर्ती जन्मों में किस प्रकार से संबद्ध रही हैं भगवान के श्री चरणों में गति पाने के लिए पति रूप में प्राप्त करने की उनकी आकांक्षा रही है जिसकी पूर्ति भगवान ने की है दंड कारणिक के वो ऋषि रहे हैं जिन्हें भगवान श्री रामचंद्र ने अगले मनुष्य अवतार में आमंत्रित किया है वो गोपियों के रूप में आए हैं यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है भगवान श्री राम का और अपने उस स्वरूप और चरित्र में वो स्पष्ट कर रहे हैं कि गृहस्थ के रूप में सामान्य मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए भगवान श्री राम समस्त संबंधों में उस मर्यादा को स्थापित करते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेकर लीला तिरोधान करने तक का जो क्रम है वो अपने आप में मनुष्यवत आचरण से ऊपर है तो क्षत्रिय के रूप में शासक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम है और समाज के विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के चरित्रों को एक साथ कैसे समाहित करके व्यक्त करना है वो भगवान ने अपने कृष्ण रूप में किया है अंतिम श्लोक है इस अध्याय का सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं प्रेमणा नोवृत्याशी अवनता सती भर्तृ सीता सीता देवी अत्यंत विनीत आज्ञाकारिणी लज्जालू तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सके वास्तव में माता सीता और अन्य कोई नहीं लादनी शक्ति है अभिशुखदेव गोस्वामी ने इसी अध्याय में माता सीता के लिए लादनी शक्ति का स्वरूप सीता माता के रूप में प्रस्तुत किया है तो विनीत आज्ञाकारिणी लज्जालू और सती कहकर स्त्री के आ, किसी भी स्वरूप को यहाँ सीमित नहीं किया गया है अपितु स्त्री और पुरुष के रूप में जो दो शरीर काया ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न है उनके सकारात्मक पक्षों का उल्लेख है भगवान श्री राम आदर्श पति हैं, माता सीता आदर्श पत्नी के रूप में प्रस्तुत हैं। और पुनः शिल प्रभुपात कह रहे हैं यहाँ पर यद्य आज अति श्रेष्ठ तरो तरोजनम तो दोनों के द्वारा वो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिससे सारा जगत तुल्य हो जाए इस जगत से नारकीय दशाओं का नामो निशान मिट जाए वैदिक शास्त्र से प्राप्त ये उदाहरण इसका प्रमाण है यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंध के अंतर्गत परम भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं नामक दसवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पूर्ण हो रहे हैं पर हम सभी के श्रवण के लिए इसी श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री राम के चरित्र को और पूरे सूर्य वंश के कुलों को आगे बढ़ाने वाली घटनाओं का अगले अध्यायों में वर्णन है जिसे हम लोग अगले सत्रों में श्रवण करने का ईश्वर की कृपा से प्रयास करेंगे श्रील प्रोपाद की जय शिल गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय श्रीमद भागवतम महापुराण की जय हरे कृष्ण